हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्डन ग्रीन ब्लॉग में। तो दोस्तों आज मैं और नर्सरी मैं आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ। दोस्तों ये नर्सरी है जहाँ पर मैंने आज विजिट किया है। दोस्तों आज मैं यहाँ से लूँगा रेड लेडी पपाया और एक नीम खली का पैकेट 1 kg का। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पर क्यारी में पपीते के पौधे रखे हैं। दोस्तों इनकी वेराइटी है रेड लेडी पपाया 786F1 क्वालिटी के। तो दोस्तों इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं लेने के लिए। दोस्तों इसके बाद हम लेंगे 1 kg का नीम खली का पैकेट। दोस्तों जो नीम खली का पैकेट है, मैंने अभी प्रेजेंट में एक नई क्यारी बनाई है, उसमें मैं नीम खली का पैकेट मिलाऊंगा, जिससे कि मैं उसमें बेल वर्गी सब्जी लगाऊंगा, जिससे कि उनकी रूट्स में नीमाटोइड या दीमक ना लगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने नीम खली का पैकेट भी ले लिया है और दोनों रेड लेडी पपाया। तो दोस्तों अब इन्हें उठाते हैं और अपनी स्कूटी पर रख लेते हैं। दोस्तों जो हमारे रेड लेडी पपाया है, मैं ये अपनी बाहर वाली जो एंट्रेंस गेट की क्यारी है उसके साइड में मैं वहाँ पर इन्हें लगाऊंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने नीम खली का पैकेट रख लिया है। अब क्या करते हैं, अपने दोनों रेड लेडी पपाया उठाते हैं और इन्हें भी अपनी स्कूटी पर रख लेते हैं। तो दोस्तों मैंने तीनों आइटम अपनी स्कूटी पर रख लिए हैं। आप पीछे देख सकते हो मैंने ये तीनों आइटम रख लिए। अब चलते हैं अपने घर। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने घर। आप देख सकते हो हमारे तीनों आइटम हमारे स्कूटी पर रखे हैं। लेकिन दोस्तों अब पड़ रही है बहुत ज़्यादा दोपहरी, बहुत तेज धूप पड़ रही है। इन्हें अभी फिलहाल अपनी छत पर रख देते हैं, फिर मिलते हैं आपको शाम को। तो दोस्तों हमारे ये दो पपीते के पौधे जो कि मैं अपने एक इधर की साइड लगाने वाला हूँ और एक लगाऊंगा मैं अपने इधर की साइड। तो दोस्तों शाम हो गई है, सूरज दादा ढलने शुरू हो गए हैं। अब हम लगाते हैं अपने दो पपीते के पौधे। दोस्तों ये दो पपीते के पौधे आज मैं अपनी बाहर वाली क्यारी में लगाऊंगा। एक को लगाऊंगा इधर की साइड और एक को लगाऊंगा जस्ट इसके साइड में, इधर की साइड। दोस्तों ये हमारी बाहर वाली क्यारी है एंट्रेंस गेट के साइड वाली, जिसमें कि आज मैं लगाऊंगा रेड लेडी पपाया 786F1 क्वालिटी का। दोस्तों जो हमारे पपीते के पौधे होते हैं ये एक ट्रॉपिकल प्लांट होता है। ये दोस्तों हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। दोस्तों अगर आपको पपीते का पौधा बीज से ग्रो करना है तो दोस्तों इसके लिए 15 जनवरी से 25 मार्च के बीच में आप कभी भी ग्रो कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस बीच में जो हमारा क्लाइमेट होता है वो ना तो ज़्यादा ठंडा रहता है और ना ज़्यादा दोस्तों गर्म रहता है। हमारे पपीते के जो सीड्स होते हैं इस बीच में इजीली ग्रो हो जाते हैं। अगर दोस्तों आपको पपीते का पौधा नर्सरी से लाना है तो दोस्तों उसके लिए आप गर्मी के मौसम में फरवरी से मार्च के बीच में कभी भी ला सकते हो, और बारिश के मौसम में जुलाई से अगस्त के बीच में, और सर्दियों के मौसम में दोस्तों अक्टूबर से नवम्बर के बीच में आप कभी भी ला सकते हो। तो दोस्तों हमने अपना पपीते का पौधा अपने पॉट कंटेनर से बाहर निकाल लिया है बिना इसकी रूट्स को डिस्टर्ब करें। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा पपीते का पौधा इसके अंदर बिल्कुल सेट आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, अपने जो पपीते का पौधा है इसके अंदर रखते हैं और अच्छे से मिट्टी फिल कर लेते हैं। दोस्तों जो हमारे पपीते का पौधा होता है ये थोड़ा सेंसिटिव पौधा होता है, तो इसके लिए आप क्या काम करो, जो हाँ भी आप इसे लगाओगे वहाँ पर इसे 7 से 8 घंटे की दोस्तों धूप चाहिए ही चाहिए, वरना तो दोस्तों आपका पपीते का पौधा ग्रोथ बिल्कुल नहीं करेगा ज़्यादा। और दोस्तों जो हमारे पपीते का पौधा होता है इसकी जो रूट्स होती है वो शैलो होती है, तो उसकी उससे दोस्तों हमें ये फ़ायदा रहता है हम अपने पपीते के पौधे को अपने किचन गार्डनिंग में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसकी एक शैलो रूट्स होती है, उसकी वजह से हम अपने पपीते के पौधे को अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं। दोस्तों इसे टेरेस गार्डन में लगाने के लिए आपको 18x18 इंच से 24x24 इंच का ग्रो बैग की ज़रूरत रहेगी। उसमें दोस्तों हमारा पपीते का पौधा ईजिली ग्रो हो जाएगा। दोस्तों इसके पोटिंग मिक्स के लिए आपको ज़्यादातर जो मिट्टी चाहिए वो मॉइस्ट मिट्टी बिल्कुल नहीं चाहिए, कि जो हमारा पपीते का पौधा होता है ये सेंसिटिव रहता है, बिल्कुल भी मॉइस्ट मिट्टी में बिल्कुल नहीं चलता है ये। इसके लिए आपको मिट्टी में बालू मिलाना पड़ेगा, उससे क्या होता है कि हमारी जो मिट्टी रहती है उसके अंदर पानी होल्ड नहीं रहता, पानी आसानी से निकल जाता है। और दोस्तों अगर आप इसे अपने ग्रो बैग में लगाना चाहते हो तो दोस्तों उसके लिए आपको अपनी मिट्टी को
बिल्कुल वेल ड्रेन बनानी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों अगर आपकी मिट्टी में पानी रुकता है तो आपकी जो पपीते की रूट्स हैं उसके अंदर फंगस लग सकता है। और दोस्तों जो आपका पपीते का पौधा है उसके हम फर्टिलाइजर की बात करें तो दोस्तों आपको अपने पपीते के पौधे में 5 हफ्ते में एक बार NPK 14 14 14 को शामिल कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों उससे क्या होगा आपकी पपीते की पौधे में फ्लावरिंग बूस्ट होगी और आपके पपीते का साइज इंक्रीज होगा। अगर दोस्तों आप अपने पौधे में वर्मी कंपोस्ट मिलाना चाहते हो तो उसके लिए आप 3 महीने में एक बार अपने पौधे में अच्छे से गुड़ाई करना और उसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड करके पानी दे देना। तो दोस्तों उससे क्या फ़ायदा रहेगा, आपकी जो पपीते की लीव्स है वो उनकी साइज इंक्रीज हो जाएगा और आपके पपीते की ग्रोथ अच्छी बढ़ेगी। तो दोस्तों हमारा पपीते का पौधा अंदर रख गया है, अब क्या करते हैं इसके अंदर सॉइल को फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों सॉइल को हम अंदर तक फिल करेंगे जिससे कि इसके अंदर कोई एयर पॉकेट ना रहे। दोस्तों आप देख सकते हो हमारा पपीते का पौधा लग गया है, इसी के मैं जस्ट साइड में दिखाऊं तो दोस्तों यह वाला भी हमारा पपीते का पौधा लग गया है। दोस्तों अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर करेंगे वाटरिंग। दोस्तों आप कभी भी अपना पपीते का पौधा हो या दोस्तों और भी कोई पौधा हो उसे अगर दोस्तों आप रिपोर्ट करोगे तो दोस्तों आपको हमेशा शाम में से रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप दूसरे दोपहर में या सुबह में करोगे तो दोस्तों रिपोर्ट करने के बाद जब उसके ऊपर दोस्तों धूप पड़ेगी तो आपका पौधा झुलस जाएगा, जिसकी वजह से दोस्तों आपका पौधा स्ट्रेस में जा सकता है। तो दोस्तों आपको हमेशा अपना पौधे को रिपोर्ट शाम में करना चाहिए, उससे क्या होगा दोस्तों रात में आपका पौधा सेट हो जाएगा जहाँ भी आप उसे लगाओगे। दोस्तों हम क्या करेंगे, अपने पपीते के पौधे में पहले उसकी जड़ों में पानी डालेंगे जिससे कि उसके अंदर तक नमी बैठ जाए उसकी रूट्स में, फिर उसे हम ऊपर से शावर करेंगे, क्योंकि दोस्तों अब चल रहा है गर्मी का मौसम जिसमें कि दोस्तों पौधे बहुत ज़्यादा झुलस जाते हैं। अगर दोस्तों हम अपने पपीते के पौधे को ऊपर से भी धुलेंगे तो हमारे पपीते के पौधे की जो लीव्स हैं वो अच्छे से शाइन करेगी और आपके पपीते की रूट्स में भी नमी बनी रहेगी। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।